इंटर क्रिकेट के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के लिए भी T20 वर्ल्ड कप का आयोजन किया जा रहा है। इस क्रम में देश का पहला T20 मैच का आयोजन 10 दिसंबर को इंदौर में होने जा रहा है, जहां भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम मैदान में उतरेगी। क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड द्वारा आयोजित इस मैच का आयोजन स्थानीय खालसा स्टेडियम में किया जा रहा है। मैच का शुभारंभ मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के संरक्षक ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैलाश विजयवर्गीय समेत अन्य खिलाड़ियों की मौजूदगी में होगा। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा इस आयोजन के पोस्टर का विमोचन किया गया है। उक्त जानकारी देते हुए इंदौर कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने बताया कि दृष्टिहीन क्रिकेटरों के मैच को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के T20 वर्ल्ड कप मैच की मेजबानी मिली है। यह मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के बीच अहित होगा। इसके अलावा T20 में खेले जाने वाले अन्य 34 मैचों में भारत के अलावा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल की टीमें हिस्सा ले रही हैं। फिलहाल देश के अलग अलग 8 स्थानों पर दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के मैच होंगे। कलेक्टर इलैया राजा टी के मुताबिक मध्य प्रदेश के ब्लाइंड एसोसिएशन द्वारा दृष्टिहीन खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए दूसरे वर्ल्ड कप में भारत और इंग्लैंड के मैच हो चुके हैं एवं इंदौर जिला प्रशासन एवं क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड का प्रयास है कि दृष्टिहीन खिलाड़ियों को भी विश्व स्तरीय खेल का मंच उपलब्ध हो सके। इसलिए भारत के ख्यात क्रिकेटर युवराज सिंह इस आयोजन के ब्रांड एम्बेसडर है, जो आयोजन के दौरान दृष्टिहीन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाने के लिए उपलब्ध रहेंगे। T20 मैच के लिए शहर के गणमान्य नागरिकों द्वारा भी स्पॉन्सरशिप दी गई है। दृष्टिबाधित खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए कलेक्टर के अलावा संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल भंडारी, क्रिकेटर संजय जगदाले सिंह, राघवेंद्र शर्मा एवं अमिताभ विजयवर्गीय आदि गणमान्य नागरिक मौजूद रहेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच है, वो इंडोर का है ना, कालसा स्टेडियम में है। डेफिनेटली हमारे लिए गौरव की क्षण है। अभी जस्ट 3 तारीख को हम लोग ने विश्व विकलांग दिवस भी ना मनाए हैं, तो उनको एक इंक्लूसिवनेस सभी ना क्षेत्र में हमारी ना दिव्यांगों का है ना मतलब पार्टिसिपेशन बढ़े, इसके लिए एक बहुत बड़ा एक प्रेरणा है ना चीज़ें रहेगी। सो कालसा स्टेडियम में 10 दिसंबर को 9 बजे से ना मैच ना शुरू होगा, उसके लेकर हम लोग ने सभी तैयारी कर दी गई है। उसमें ना मुख्य अतिथि भी रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा भी है ना इसका है ना पोस्टर का विमोचन है ना किया गया था। इसके पहले आई थिंक लास्ट वर्ल्ड कप में आई थिंक प्रॉब्ली इंडिया ने ही जीता है। आई थिंक उसको है ना माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा भी है ना उनका टीम के साथ है ना सम्मान के है ना सम्मान किया गया है, उनको है ना हौसला है ना बढ़ाया है। तो हम लोगों ने सारे स्कूल्स और शैक्षणिक संस्थाएँ हैं, कॉलेजेस हैं, उसको भी हम लोग है ना इन्वॉल्व कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स है ना अपना देख भी ले, एक इंक्लूसिवनेस है उसके बारे में सीखे भी है, और उसके अलावा लोगों को ना उनको मोटिवेट भी करें, प्रेरित करें। सो आपके माध्यम से भी ना मैं आम नागरिक को भी मैं अपील करता हूँ या सभी जनप्रतिनिधि सभी लोगों से अपील करता हूँ कि ये एक हमारे लिए डेफिनेटली गौरव की क्षण है। सो 10 दिसंबर 9:00 कालसा स्टेडियम में ना इंडिया ऑस्ट्रेलिया का ना ब्लाइंड क्रिकेट का मैच है, बिल्कुल T20 मैच है, उसको बिल्कुल आप पधारें, इसका मैच का भी आनंद लें और हमारी इंक्लूसिवनेस है उसको हम लोग ना सेलिब्रेट करें।